अरे इस बीच अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा मिड कैप में चलना चाहूँगा। मिड कैप में जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ रही है उसमें आप देखिए, अभी कुछ देर पहले मिड कैप में ऑटो एंड स्लीप स्पेस ने भी, अगर आप देखें, ऑटोज के साथ पार्टिसिपेट किया था। यहाँ भी हमने काफ़ी अच्छे खासे बाइंग एफर्ट देखे थे। मिड कैप ऑटो एंड स्लीप स्पेस में आपके कोई खास स्टॉक जिसको आप चेज कर रहे हैं, या फिर इस पूरे सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, मिड कैप में थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी में मदरसन सुमी थोड़ा सा चार्ट पे अच्छा लग रहा था विद द लेवल ऑफ 230 to 235। वो एक था कि वहां पर एक बाइंग इमर्ज हो सकती है विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 215 ऑड, लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 265 टू 270 शॉर्ट फ्रेम टाइम फ्रेम में। अमर राजा बैटरी चार्ट पे अच्छा लग रहा है, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लगभग अक्टूबर नवंबर 2015 से एक 200 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड करा था, आज अच्छे वॉल्यूम के संग में ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। इमीडिएट बेसिस पे लगभग आपको 940 से 950 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा अगर उस लेवल पे सस्टेन करता है तो 1020 से 1040 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मिस्टर हरियर, क्या आप कैपिटल गुड्स शेयर चुनेंगे राइट नाउ? क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर मेरा 6 से 7 महीने का हो तो कैपिटल गुड एक अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है, स्पेशली एलएनटी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, पुंज, लॉयड पे आपकी राय? इस सेक्टर में काफी क्लोजली वॉच करते हैं, एक एलएनटी है और एक बीएचईएल है, और हमें ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, नॉट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म वैल्यू पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाउंस के नजरिए से डेफिनेटली हमको ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इसके दो कारण है। पहली बात तो ये कि जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई गई है कैपिटल गुड्स पे, आई थिंक इसका फायदा डेफिनेटली बीएचईएल और एलएनटी को हो सकता है। दूसरा जो डिफेंस का डाइवर्सिफिकेशन है, आई थिंक इसका काफी बड़ा फायदा एलएनटी को हो सकता है, क्योंकि कैपिटल गुड साइकिल में अभी भी एक स्लोडाउन चल रहा है, पर डिफेंस से काफी उनको फायदा हो सकता है। मैं मानता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नजर है तभी बनेगा जबकि कैपिटल साइकिल पे एक रिवाइवल आएगा। आई थिंक इसका कोई अंदाजा एज ऑफ नो तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यस वी लाइक एलएनटी एंड बीएचएल, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नजर से वी आर स्टिल नॉट एबल टू क्रिस्टलाइज अ व्यू। इस बीच आप देखिए, हरी क्या, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे स्टॉक्स पर अपनी राय रखी आपने। एक बार जरा मैं छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में चलता हूँ, वो स्टॉक्स जो कि अपनी तरफ थोड़ा सा वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग भी है। थोड़ा सा मैं स्मॉल कैप में, डेडिकेटेड स्मॉल कैप स्पेस जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं। देखिए एक स्टॉक है एशियन होटल्स, माफ कीजिएगा एशियन होटल्स को स्किप करता हूँ, इसमें सिर्फ एक ही शेयर का ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम्स की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। एक दिग जैम है करीब 11-20 के स्तर पर 4.5% रुपये। खैर छोड़ते हैं इस इशू को, अब हमारे साथ हेमंत ठुकराल मौजूद हैं बात करने के लिए। हेमंत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। हेमंत, आपकी अप्रोच क्या है? जिस तरीके से हमने 7500 को अप्रोच किया, जिस तरीके से हमने 3 दिन वहाँ बिताए लेकिन उसको पार नहीं कर पाए, अभी ऑप्शंस का जमावड़ा जो है वो क्या कर रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, और अभी निफ्टी ट्रेडर को करना क्या चाहिए? देखिए, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, मेरे ख्याल से पहले जो आप बात कह रहे थे कि ऑप्शंस का कहां एडिशन है, 75 कॉल में सबसे ज्यादा एडिशन है, 61 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट एडेड है, और जब भी इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो लेवल अब मार्केट नॉर्मल मार्केट में क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी आप उनपे दबाव डाल सकते हैं बाय गैप ऑफ ओपनिंग, तभी कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, नहीं तो यूजुअली वो लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आ जाता है। तो मेरे हिसाब से 75 और 75-50 ये जो रेंज है ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट के लिए, और कल का जो लो था 74.40 अभी हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर पहला आधा घंटा हम उसके नीचे ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल से एक बार बाजार 73-73.30 तक आ सकता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि अगर 74.40 के नीचे ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो आप एक बार पोजीशंस को शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 100 से 125 पॉइंट का और फॉल मुझे क्लियरली नजर आने लग जाएगा, और इस ट्रेड का आप स्टॉप लॉस रखिए 7480। तो मेरे ख्याल से 73.20 से 73.30 ये टारगेट निफ्टी का देखने को मिल सकता है। राइट हेमंत जी, लेकिन बजट के बाद इस सीरीज में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे फुटिंग पे काम काज हुआ है, जहां पर तेजी की पोजीशंस बहुत ज्यादा बनी है सर, और गोइंग फॉरवर्ड में जो बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं सीरीज में वो बताएं। देखिए, मेरे हिसाब
से बजट से पहले भी और बजट के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में पोजीशंस जो हैं वो लगातार लॉन्ग साइड में बनी हैं। तो चाहे आप वो LIC हाउसिंग देख लीजिए जो अब आप 435 के जब तक ऊपर सस्टेन कर रहा है 435-440 रेंज के, तो बहुत पोटेंशियल है कि एक बार 460-465 भी टेस्ट कर सकता है। आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आप देख सकते हैं, उसमें भी लगातार निचले स्तरों से बाइंग आ रही है। एक बार 670 के ऊपर सस्टेन करता है तो 712 तक का आपको रेट देखने को मिल सकता है। तो हाउसिंग फाइनेंस मेरे हिसाब से एक ऐसी जगह रही है जो काफी पॉजिटिव है और अभी भी मेरे ख्याल पॉजिटिव रुझान बना रहना चाहिए। बैंकिंग में हमने ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी और इसलिए अब हायर लेवल्स पे 15,200-15,300 पे वापस से थोड़ा फ्रेश शॉर्ट्स शुरू हुए हैं। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अगर 15,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो एक बार 14,700 तक जाने की उम्मीद काफी है। 14,700 की इनफेक्ट अगर आप देखें तक जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हम सुबह भी यही डिस्कस किया था कि तीन पुट्स जो है 14,500 की 14,700 की अपनी तरफ काफी ओपन इंटरेस्ट खींच रही हैं। हेमंत, अगर 15,000 वॉलेट होता है तो 14,700 की पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है। इन दैट केस अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स पर शॉर्ट कॉल लेनी हो, मेरे को मालूम है कि थोड़ा सा मैं एग्रेसिव प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट कॉल लेनी हो उस वक्त स्टॉक फ्यूचर्स पे, तो आप कहां कहां लेंगे? देखिए वीरेंद्र, बहुत क्लियर है कि अगर बाजार बैंकिंग की वजह से नीचे जाता है, 15,000 बैंक निफ्टी वायलेट करता है, तो मेरा सबसे पहला जो इंडिकेशन रहेगा वो रहेगा ICICI बैंक। देखिए हमेशा ये देखने को आया है कि ICICI बैंक जो है वो एक मेन ट्रिगर, सेंटीमेंट ट्रिगर जिसको कहते हैं, वो दिखाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वो 205 का स्तर क्रॉस नहीं कर पा रहा था और 205 क्रॉस करते ही 220 पे कॉल राइटर शिफ्ट हुए और वो लेवल अब क्रॉस करना मुश्किल हो गया है। अगर आज वो स्टॉक 208 के नीचे वापस ट्रेड करने लगता है तो मेरा मेन शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा और मेरे हिसाब से 200 और 201 तक वो वापस ट्रेड करेगा नीचे की तरफ। तो अगर बैंक निफ्टी 15,000 वायलेट करता है तो सबसे पहले मैं ICICI बैंक पर नजर रखूंगा क्योंकि मेरा मानना यह है कि वही सबसे पहले वीक होगा तभी बैंक निफ्टी नीचे जा पाएगा। तो 200-199 या 200 के स्तर तक ICICI बैंक आ सकता है अगर 208 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो। राइट हेमंत, इनफैक्ट मैं कैपिटल गुड क्षेत्र पहले डिस्कस कर रहा था और वो इसलिए क्योंकि बजट के बाद से एकदम से पॉजिटिव टिक्स पड़े थे BHEL LNT पे, उन दोनों स्टॉक्स पे पिछले 2-3 दिन में मुनाफा वसूल लिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स बजट के बाद एकदम से चल पड़ा है, तो कैपिटल गुड्स पे क्या अच्छे रिटर्न्स की संभावना बढ़ गई है इस सीरीज में? देखिए मैं एक चीज मानता हूं कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स मेरे ख्याल एज एन एक्सेप्शन, जिस तरह से OI एडिशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सेक्टर से अलग चलने की कोशिश कर रहा है और अब स्टॉक 133-135 के ऊपर सस्टेन भी कर पा रहा है और लॉन्ग पोजीशंस भी बन रही हैं। तो मेरे हिसाब से क्रॉम्पटन में लॉन्ग बना के कायम रखना चाहिए 134 के स्टॉप लॉस से। मुझे 150 रुपए तक जाता हुआ क्रॉम्पटन लग रहा है, लेकिन मैं वो चीज भेल के बारे में नहीं कह पाऊंगा क्योंकि भेल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, 105-107 से वापस से प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई है और मुझे अभी तक कोई लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से भेल अभी भी थोड़ा सर्कमस्पेक्ट या जिसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं वो रहना चाहिए और मेरे ख्याल से निचले स्तरों पर वापिस से एक बार 97 या 99 तक आ सकता है। तो भेल पे मैं अभी भी लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दूंगा। Crompton is looking strong, तो बेटर है आप Crompton को प्रेफरेंस दीजिए। हेमंत, एग्जैक्टली आप FMCG में क्या करेंगे इस वक्त? ITC 320 के आसपास आने के बाद दोनों पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ा देता है, टुवर्ड्स 330, 340, 360 इसने एक सरप्राइज दिया था एक बार, या फिर 290 की तरफ। दूसरा HUL जो कि अपने आप को 825 से 850 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। फिर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस मिड कैप में भी हैं, डाबर, मेरिको, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए मैं मिड कैप में मेरे हिसाब से FMCG में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है वीरेंद्र। अगर आप ITC की बात करें 320-330 पर बहुत कॉल राइटिंग है, बहुत टफ है 325 का स्तर क्रॉस करना और अब लीवर ने जिस तरह से कल फ्रेश शॉर्ट्स देखे 845-850 के आसपास, तो चांसेस ज्यादा इस चीज के हैं कि 825 के नीचे ट्रेड करे। आज मेरे ख्याल पॉजिटिव खुला है फिर से,
बट मेरे हिसाब से जब तक आप 850 के ऊपर सस्टेन नहीं करें, इट्स अ सेल ऑन राइज स्टॉक और चांसेस ज्यादा है कि एक बार ये 790-785 तक आ जाए। तो मैं तो ऊपर जाने ऊपर जाकर सेल की सलाह ज्यादा दूंगा, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 850 जिस तरह से कल शॉर्ट्स बने, तो मुझे एफएमसीजी में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही। आपको स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है।